कब था आपका डिबी? कल था सर, सेकेंड थर्ड शिफ्ट में 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम था मेरा। कल हाँ कल था, सेंट्रल डिवीजन में। सेंट्रल रीजन में तो कैसा रहा डिबी आपका? अच्छा, बहुत अच्छा रहा सर। तो कितना टाइम लगा आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में? रिपोर्टिंग टाइम सर 2 बजे था, लेकिन एंट्री 3 बजे से करवाया और वही 2 घंटा के करीब समय 5 बजे बाहर निकले। 5 बजे निकले थे। तो आप किस कैटेगरी से हैं? मैं ओबीसी से था सर, कितने मार्क्स हैं आपके? 234 पॉइंट कुछ है। अच्छा, ये बताइए कि जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनको कौन कौन से सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है? वही इंटर और मैट्रिक का, मतलब इंटर मैट्रिक दोनों का सर्टिफिकेट और मार्कशीट जी और ओबीसी सर्टिफिकेट। अगर क्रूशियल डेट का नहीं है, जी पुराना कितना भी दिन का भी रहे चल जाएगा सर, लेकिन नया वाला जो 2019 के बाद का है जी उसको प्रोविजनल में डाल देते हैं, और नया जो बना हुआ है उसका कोई वैल्यू नहीं है बोले वो। अच्छा, पुराना अगर है, चाहे कितना ही पुराना हो, हाँ सब एक्सेप्टेड है, वो सब एक्सेप्टेड है। हाँ सबको क्लियर मिला है। अच्छा, आपको क्या मिला है? मेरा तो प्रोविजनल मिला क्योंकि मेरा बिल्कुल करेंट का बना हुआ था, अच्छा पुराना का भी नहीं बना है। अच्छा ये बताइए कि अटेंडेंस कैसा रह रहा है? अटेंडेंस सर मिला जुला के 15 बच्चा, एक बैच में 20 बच्चे का बैच बनता है जी जिसमें 15 16 17 तक जाता है, मेरे में 17 था। अच्छा, इसी तरीके से 15 16 इस तरीके से बच्चे आ रहे हैं। हाँ इसी तरह से बच्चे आ रहे हैं, अच्छा, किसी किसी को किसी में वहां पे 13 भी रह किसी जाता है। को रिजेक्ट तो नहीं किया गया वहां पे? नहीं सर, रिजेक्ट किसी को नहीं किया जा रहा है। अगर आपके पास कोई कागज नहीं है तो वो अगले दिन बुलाते हैं, जब तक डीवी का प्रोसेस चलेगा आप अपना कागज सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रह गया तो बाद में भी जाके वो कर सकता है। हाँ बाद में भी जाके आपको वेरीफाइड वाला एडमिट कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद हाँ आपको अंदर भेज सकते हैं। कितना बच्चा था जिसको कुछ गलत हो गया होगा, वो अच्छा, वेरीफाइड दोबारा वाला भी अपना एडमिट, सही करा सकते हो हाँ जाके, दोबारा भी सही करा सकते या कोई हैं। डाउट है तो पूछ सकते हो जाके वहाँ। हाँ जी सर बिल्कुल, पूरा सहयोग करते हैं, अच्छा, स्टाफ कैसा है ओवरऑल? सब अच्छे हैं, सब साथ देते हैं। अगर कोई गलती तो भी कर देते हैं तो हंसी हंस के बस मुस्कुरा के कहते अच्छा हैं ऐसे अच्छा ऐसे कीजिए, सब कुछ अच्छे से करवा देते हैं। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। तो आपको बोला होगा कि आप यूआर में कंसिडर होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं? नहीं ये सब नहीं पूछा था, वो बोला कि अच्छा आपको प्रोविजनल डाल रहे हैं, जब आपका मतलब जॉब लगेगा तब आपको डिपार्टमेंट जो है वो वेरीफाई करेगा, उस समय आप इस ओबीसी कैटेगरी से होना चाहिए वो जब वेरीफाई करेगा। तो हम बोले ठीक है। अच्छा एक फॉर्म भी दिए थे भरने के लिए ओबीसी के लिए, जी सेम टू सेम मतलब देख के लिख देना था जो मतलब आगे हम पर कार्रवाई हो सकती है अगर हम ओबीसी से नहीं होंगे तो, और वो इसमें साइन करवा के शपथ पत्र लिखवा के और जमा ले लेते। हाँ हाँ, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट तो है ही आपके पास। चलिए, आपने अपना डिवी का एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।